हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आकाश टेक्निकल माइंड। कैसे आप सभी, मेरा नाम है आकाश। तो आज आपका फिर से स्वागत है आकाश टेक्निकल माइंड की हमारी नई और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आपके सामने है महिंद्रा बोलेरो नियो, जो कि है हमें N8 मॉडल में देखने को मिलेगी। एंड आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक है गाड़ी का, एंड बीच में महिंद्रा का लोगो। एंड आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, एंड फेसबुक पर लाइक करके मेरे को फॉलो कर लीजिए। बीच में महिंद्रा का लोगो एंड ब्लैक गोल्ड फिनिश में हमें देखने को मिल जाती है ग्रिल्स, एंड क्रोम मेटल फिनिश का काम किया गया है यहाँ पे। एंड आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक गाड़ी में देखने को मिल जाता है। एंड ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लैक कलर में दिया जा रहा है, मैट ब्लैक है ना। एंड यहाँ पे ये इसमें हम वो लगा सकते हैं फॉग लैंप्स जो कि है, और ये पूरा हमें देखने को मिल जाएगा फॉग लैंप्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड पूरी अच्छे से डिटेलिंग की गई है गाड़ी में, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के तरफ। तो अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। एंड बहुत ये हम आ चुके हैं गाड़ी के साइड के तरफ, आप देखिए बहुत ही अच्छी गाड़ी देखने को मिल जाती है। एंड ये साइड मिरर जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, फुट स्टेप देखने को मिल जाएंगे जो कि गाड़ी को काफ़ी अच्छा फील देते हैं और कोई भी आराम से इसमें चल सकता है। एंड टायर साइज़ भी काफ़ी बड़ा दिया गया है जो कि गाड़ी कहीं भी जा सकती है। एंड बहुत ही अच्छा लुक है, यहाँ पे भी ये थोड़ी सी ओपन होती है। एंड चलते हैं गाड़ी के बैक साइड प्रोफाइल के तरफ, और ये है गाड़ी का बैक साइड प्रोफाइल। बीच में महिंद्रा का लोगो, बोलेरो लिखा हुआ है, काफ़ी इसमें भी स्टेपनी में बड़ा चक दिया गया है। एंड कवर देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे पूरा N10 मॉडल लिखा हुआ है, बोलेरो नियो गाड़ी देखने को मिल जाती है। एंड वाइपर मिल जाता है, रियर वाइपर एंड एक वॉशर के साथ, बहुत काफ़ी अच्छी गाड़ी फील देती है हमें। कोई यानी गाड़ी में ऐसी चीज़ नहीं है जो पैसेंजर्स को बुरा करे। और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ऊँचे दिए गए हैं फुट स्टेप, जिसमें कि कोई भी चल सकते हैं, बच्चे भी काफ़ी आसानी से चल सकते हैं। एंड चलते गाड़ी की साइड, तो आप देखिए यहाँ पे फ्यूल का जो कि हमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बड़े टायर्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। एंड ये आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी हमें देखने को मिलती है, ऐसी कोई कमी नहीं है गाड़ी में। तो अभी मैं इसका रियर डोर ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बूट हमें देखने को मिल जाता है, बूट स्पेस जो कि है ड्राइवर यानी कि पैसेंजर्स को कोई कमी नहीं देता। एंड यहाँ पे मैं चढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा फील हमें बैठने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे कोई और भी बैठेगा तो काफ़ी अच्छा फील हमें देखने को मिल जाएगा, सीट्स भी काफ़ी अच्छी है, एंड हेडरूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ओपन होता है जो कि मैंने किया हुआ अभी, एंड इसे हम करते हैं बंद। एंड चलते गाड़ी के बीच वाली सीट पर, तो ये जो कि ऐसे फोल्ड भी किया जा सकता है, जिससे कि यानी ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बूट देखने को मिल जाता है। अभी हम कर देते हैं इसे बंद एंड चलते हैं पीछे की ओर। यह है गाड़ी के बीच की मिडिल रो, अभी हम करते हैं इसे ओपन। आप देखिए यहाँ पे फुट रेस्ट भी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, जो गाड़ी को कोई कमी नहीं देता है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा हमें आगे का देखने को मिल जाएगा। एंड मैं बैठता हूँ इधर, थ्री रो सीट है हमें। एंड अगर लॉन्ग यानी कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, लॉन्ग वे पे हम जाएंगे तो ये बहुत ही कामदायक है। एंड ये हमें देखने को मिल जाती है बहुत ही आरामदायक सीट। एंड ये यहाँ पे भी काफ़ी लेग रूम देखने को मिल जाता है। एंड चलते हैं गाड़ी के बाहर की ओर, अब हम चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ जो कि ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे भी डोर देखने को मिल जाता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर भी हमें बोलेरो नियो में मिलता है, यहाँ पे हम ऐसे चल सकते हैं। एंड ये मैं बैठ चुका हूँ, आप देखिए बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग गाड़ी में दी जा रही है, बहुत ही अच्छा स्टेयरिंग, ड्राइवर ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कुछ कमी है। और यहाँ पर जो कि है, यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल की बटन देखने को नहीं मिलती है, मोबाइल रिसीव करने की बटन देखने को मिल जाएगी, और म्यूट करने की एंड आवाज़ की जो कि बटन देखने को मिलेगी। एंड नीचे क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर देखने को मिल जाते हैं, ये गियर मैनुअल हम लोगों को देखने को मिलेगा।
और बहुत ही अच्छा 5 स्पीड देखने को मिल जाता है, एक रिवर्स और ये पूरी स्क्रीन। बहुत ही अच्छा फीचर है गाड़ी में। और ये जो कि है क्रूज कंट्रोल एंड ये लाइट का जो कि है एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, इको बटन देखने को मिलेगी, ESS बटन एंड बहुत ही अच्छा जो कि है यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो कि है ये खाली दिया गया है एंड यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं हम ऐसे करके, जो कि अब बोनट ओपन हो चुका है। अब चलते हैं बोनट की तरफ। 1400 cc हमें इसमें इंजन पावर देखने को मिल जाती है, 1493 cc हमें देखने को मिल जाता है। एंड ये 3 सिलेंडर्स देखने को मिलते हैं और ये बैटरी और बहुत ही अच्छा जो कि इंजन देखने को मिल जाता है हमें। और काफ़ी इसमें अच्छे फीचर्स भी है और बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी गाड़ी है ये। और एम हॉक पावर इंजन इसमें हमें देखने को मिल जाएगा और 100 bhp की पावर जनरेट करता है। 260 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें। सेफ्टी फीचर्स में हमें ABS और EBD देखने को मिल जाता है। और जब गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, जब गाड़ी जो कि है भेदेगी यानी कि उसका एक्सीडेंट होगा तो आगे से डैमेज होगी और अंदर ABS यानी कि सॉरी वो ओपन हो जाते हैं, एयरबैग्स और पैसेंजर्स बच जाएंगे। और गाड़ी का एवरेज 17.2 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है पर लीटर। आप बहुत ही अच्छी यानी कि गाड़ी मिल जाती है एंड ऑन रोड इसका 15+ हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट नई और ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।